ऑलराइट, अब हम एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की कोड एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम फॉर एग्जांपल इमेज क्लासिफिकेशन का टास्क आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग की बात कर लें। हम बेसिकली जब भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करवाते हैं तो हमारा टारगेट होता है लॉस को मिनिमाइज करना। हाउ डू वी गेट लॉस मिनिमाइज? जैसे कॉस्ट फंक्शन आपको नजर आ रहा है, हमारा एरर शुरू में बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसके ग्रेडियंट डिसेंट के एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हमारा एरर रिड्यूस होता है, विच फॉलोड एज टारगेट माइनस आउटपुट। तो हमारा जो एक्चुअल टारगेट होता है और जो हमारा नेटवर्क प्रिडिक्ट करता है, हम उसमें से इसको माइनस करते हैं और हम अपना एरर कैलकुलेट करते हैं, एंड विद डैट एरर हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं जिसकी वजह से हमारे न्यूरल नेटवर्क एक अच्छा नेटवर्क ट्रेन होता है जो कि अच्छी इमेजेस क्लासीफाई करता है विद गुड एक्यूरेसी एंड गुड वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल। दिस इज अ मिनिस्ट डेट, दिस इज फॉर मिनिस्ट डेटासेट। और मिनिस्ट डेटासेट के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज मिनिस्ट डेटासेट। कि मिनिस्ट डेटासेट ये है कि हमारे पास हैंड रिटन डिजिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और हमने उनको क्लासिफाई करना है कि अपना एक नेटवर्क ट्रेन करवाना है कि हमारे पास जो टेस्ट एग्जांपल्स हैं वो क्लासिफाई हों कि दे आर वेदर इट इज 2, वेदर इट इज 1, वेदर इट इज 3। तो इस तरह से हम एक रियल एग्जांपल देखेंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग आवर कोड। हम कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाते हैं। इसमें हमारे पास क्लासेस 10 है जैसा कि आपको नजर आ रहा है, 0, 1, 2, 3 से लेके 10 तक। एंड वी हैव इनपुट शेप 28x28 पिक्सल्स एंड इट हैज ओनली वन डायमेंशन। व्हाई? बिकॉज़ हमारे पास ये RGB इमेजेस नहीं है। इस लाइन में हम अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड कर रहे हैं। We have finally 60,000 training samples and 10,000 test samples. Okay, so this one is important. हम अब क्या कर रहे हैं, अपनी input, for example हमारा जो convolutional neural network है उसकी एक input layer है, फिर हमारे पास convolutional 2D की layer है, max pooling की layer है, फिर दोबारा convolution की layer है, and then max pool, and then flatten, and then fully connected layer. Okay, अब input की shape में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इनपुट शेप में ये आएगा 28x28 × 1 और ये क्या होगी, इनमें से कोई एक इमेज होगी 501 में से। ओके, फिर उस पे उसी इमेज पे कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन अप्लाई होगा और हमारे पास फीचर मैप बनेंगे। फीचर मैप बनने के बाद हम चाहेंगे कि हम उस पे मैक्स पूलिंग अप्लाई करें और डायमेंशन रिड्यूस करके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिटेन करें, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो हम अपना मॉडल कंपाइल करते हैं। ओके, सो यू कैन सी द मॉडल समरी। हमारे पास लेयर टाइप्स आ रही हैं, आउटपुट शेप आ रहे हैं, पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो टोटल पैरामीटर वी हैव 34,826। ओके, सो वी विल नाउ ट्रेन आवर मॉडल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद एपॉक्स इक्वल टू 5 और हमारे पास लॉस कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, ऑप्टिमाइज्ड रैंडम है, एंड मैट्रिक्स इज ऑफ एक्यूरेसी, एंड नाउ आवर मॉडल इज ट्रेनिंग। ओके, यू कैन सी कि हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है एंड इट टुक सम मिनट्स टू ट्रेन और हमने इसे फिलहाल के लिए 5 एपॉक्स पे ट्रेन करवाया है एंड विद only 5 epochs we have a loss of 0.06 which means 6% and accuracy of 0.98 which means 98% and validation loss and validation accuracy of 0.98. हम अपना अपने मॉडल को जो हमारा ट्रेन मॉडल है इसे एवेल्युएट करना चाहेंगे और मॉडल एवेल्युएट हमेशा टेस्ट सेट पे होता है। टेस्ट सेट में हमारे पास अपने डेटा सेट में वो होता है जो अनसीन होता है, कभी मॉडल ने देखा नहीं होता। अब हम इसको अपने टेस्ट सेट पे एवेल्युएट करेंगे।
Okay, so you can see कि टेस्ट सेट पे हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी है, 98% एंड लॉस हमारा है 0.4%. और फॉर बेटर विजुअलाइजेशन आई विल राइट सम कोड फॉर यू, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट क्लासेस एंड हम इसमें टेस्ट एक्स टेस्ट इनपुट कर देंगे एंड विल सी कि हमारा मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है. ओके, सो यू कैन सी कि हमारे मॉडल ने 7 2 1 प्रिडिक्ट किया है. अब हम जाके देखेंगे कि वेदर 7 2 1 हमारे रियल डेटा में है या नहीं है. ओके, मिनिस्ट टेस्ट सीएसवी, लेट्स ओपन इट. ओके, सो हमारे पास मिनिस्ट टेस्ट सेट की फाइल डाउनलोड हो चुकी है और हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि 7 2 1 की प्रेडिक्शन थी तो वो हमारे पास सही आई है या नहीं आई. प्लीज ओपनिंग. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 7 का नंबर ही है, सेकेंड में हमारे पास 2 है, थर्ड में हमारे पास 1 है. लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल ने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया है. एंड इन सिमिलर वे लेट्स गो टू एंड एंड आवर मॉडल प्रेडिक्टेड टू 6 5 4 एंड लेट्स चेक इट 6 5 4. सो इट मींस कि हमारे मॉडल ने अच्छा ट्रेन हुआ है और अच्छी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं. एंड इट वाज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एग्जांपल. थैंक यू सो मच.